वेलकम गाइस, दिस इज माय फर्स्ट ब्लॉग। तो आप चले हम हजूर साहब ने पिछले अपने खलोती पंजाब मेल तो आप जाने हजूर साहब। हजूर साहब 9:40 अपनी चलने ट्रेन टिकटा कराइया सी महीना डेढ़ महीना पहला बुक, मैं तो तत्काल से कराई हुई, मैंने थोड़ी महंगी भी पई है। 9:40 चलनी है तो नंबर है अपना। असं दो जने इस डब्बे बैठे हुए हैं, गाड़ी पांच जने अगे बैठे हुए हैं, पूरी हमें सीट मेरी ऑफ वाली है तो बारह पाँच इतने बैठे हैं लभी है। इन्हें पांच को इन्ना सुबह दिल्ली पजेगी तो बाद बैठे गलत बातें कर दिया है, इन्हें भी दिल्ली उतर जाना सवेरे। तो भाई अपना आ गया वीर अपना, इन्हें नाल जाना वा रोटी जानी ही कर कुछ खाने पीने लैके आता सगा। मैं ज़्यादा सफर है दूर भी दोनों का, औखा लंघना रस्ते तुम्हें पता कि खाने दिल नहीं करता हूँ। रोटी आ बनती ही कर देंगे, रोटी चलेगी तो बाकी कुछ आई हम अगे बैठे ट्रेन च सवेरे जावे रोटी तो बाहर बैठ के पानी पुनी भी आता इन्हें कर लीजिए भाई। पानी भी खत्म हो गया ट्रेन च, थोड़ा अपना बहर का व्यू देख लिया स्टेशन आया कौन के ट्रेन अपनी दिल्ली। तो हूँ आप सौने सवेरे उठ के देखेंगे दिल्ली, करते हैं रेस्ट रोटी बनी खाएगा। दरवाजा खोलता बाहर तो वो अंदर जोर लाई जाता। चले भूआ उन्होंने मिल, भूआ ने अगले कमरे एसी रूम मिल के हमें उन्होंने एक ही भाई ला देखो खाने तू तो कि भूआ लिया वादू को जा की लिया खाने सुखा मिसा गिला सारा कुछ चाबी पुछा स्टेडियम ज्यादा देखा है और ना स्टेडियम तो पहले ही आ जाऊंगा लारा भी लाया आया जी। असं उधर गया सीटा दे आके पै गए, चल कोई ना देखो फौजी साहब फौजी बंदे जाते हाथ लोहे दे होंगे दस पंद्रह मिनट का ही रह गया वा। दो कुछ स्टेशन है छोटे छोटे स्टेशन है, बाद मैं वाट आ जाना बैग आप कट के रख दिया इतने समान कट के रखता पा इतने बहर उइए होना भी आ उ सामने डब्बा वा तो उधर ही गेट आ स्टेशन को आप इतों चल जाना बहर तो गुरुद्वारे करांगे स्टे। गुरुद्वारे स्टे करन तो बाद दो का टाइम होया तो बाद च साढ़े सात बजे अपनी ट्रेन आए। हाँ भाई अपने नाल चलेगा ये वाला भाई इतना भी चलेगा, चल ठीक है भाई। इतों गुरुद्वारा 300 मीटर होना वा तो ये पैसे बड़े मंगते हैं तो आप चलते हैं पैदल। भूआ हमने पिछे रह गए लगता तो आप चलते हैं अगे उत्थे गेट च खड़ के डिगते भूआ हमारे समान रखता सारा इतने तो आप नहा धो के आने गुरुद्वारे साहब के पिछले पास कहते नवे बाथरूम बने। अज का ब्लॉग कर दें इतने खत्म, नैक्सट ब्लॉग च आप गुरुद्वारे साहब बारे इनफॉरमेशन देवे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।